हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो आप लोग इसको भी अच्छे से देखते रहें। बाकी ईस्ट इंडिया के जो हमारा ईस्ट इंडिया है यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो हमें ईस्ट इंडिया भी देखना है आधुनिक भारत में, और केंद्रीय पंजाब एवं मैसूर और गवर्नर जनरल वाइस राय भी देखना है, ठीक है। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। टॉपिक्स वाइज नोट्स आपको साझा कर दिया जा रहा है, आप इसको अच्छे से पढ़िए। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप भी इस लोग अच्छे से पढ़ते रहें, ठीक है। उसके बाद जन आंदोलन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार क्वेश्चन आए हुए हैं PCS और RO में। आधुनिक भारत में विश्व, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा आ जाते हैं आधुनिक भारत पर प्रेस विकास, इसमें भी। उसके बाद सामाजिक धार्मिक आंदोलन पे, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ते रहें, ठीक है। हम नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर पे आते हैं। ये जो धार्मिक सुधार है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कांग्रेस और स्थापित राजनीतिक संस्थाएँ, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भारतीय राजनीति राष्ट्रीय कांग्रेस, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट पढ़ लें अच्छे से। और कांग्रेस के गर्म दल और नरम दल, ये भी इम्पॉर्टेंट है। भारत की क्रांति आंदोलन भी, इसको अच्छे से पढ़ते रहें सब चैप्टर्स। आगे भारत में बाहर क्रांति गतिविधियाँ, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको पढ़िए। बंगाल विभाजन 1905 और स्वदेशी आंदोलन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मुस्लिम लीग 1906 में, और मिंटो सुधार, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत और लखनऊ अधिवेशन और होम लीग अधिवेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी अच्छे से पढ़ते रहें। किसान आंदोलन, किसान सभा भी, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यूनियन साम्राज्य, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग 1919, ये भी इम्पॉर्टेंट है। खिलाफत आंदोलन से भी काफ़ी क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं 2023 में, और 2024 में भी पूछे जाएंगे। UPRO और UPPCS के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, BPSC के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। असहयोग आंदोलन, ठीक है, इसको भी पढ़ते रहें। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। साइमन कमीशन 1927, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। गांधी इरविन समझौता, गोलमेल सम्मेलन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सांप्रदायिक पंचावट एवं पूना, ठीक है। तो ये शॉर्ट नोट्स तैयार किए गए जो कि आपके प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा। क्रिप्स मिशन, ये भी पाकिस्तान की मांग, ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो ये सब आप अच्छे से पढ़ते रहें, ये इम्पॉर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको देखते रहिए, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं जो कि आपके प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। कैबिनेट मिशन योजना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद संविधान सभा, भारत का विभाजन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग इसको भी अच्छे से देखते रहें। हम अगर आते हैं भारत का संविधान विकास, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आधुनिक इतिहास विधि, ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको भी बहुत अच्छे से देखते रहें। यहाँ से मिलान के 2 से 3 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से देखते रहें, यह इम्पॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप देखते रहें, हम नेक्स्ट टॉपिक्स के ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक्स हैं, बढ़ते रहें, ये जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसको आप अच्छे से पढ़ते रहें। नेक्स्ट टॉपिक्स की ओर हम बढ़ते हैं, पुस्तक और उनके लेखक, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं मिलान के अकॉर्डिंग में, तो आप इसको भी देखते रहें, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए। और जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट के अकॉर्डिंग में जो दिया जाता है, जैसे कि फैक्ट और इंक्लूड, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करें कला एवं संस्कृति, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप भी इसको भी अच्छे से रीडिंग करते रहें, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए, RO और UPPCS और 70 BPSC के लिए भी, ठीक है। तो ये सब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम नेक्स्ट
नेक्स्ट टॉपिक्स के अकॉर्डिंग में बताते हैं परंपरागत पुरस्कार। पुरस्कार से भी 102 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम बता दें यूपीएससी यूपीपीसीएस के लिए रोजाना ऐसे वीडियो आएंगे। लाइक करें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।